दो बलों का, दो बलों का दो बलों का परिणामी 20 न्यूटन है। दो बलों का परिणामी 20 न्यूटन है तथा किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण तथा किसी एक बल का परिमाण 20√3 न्यूटन है। 20√3 न्यूटन है जो परिणामी के साथ, जो परिणामी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, जो परिणामी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो दूसरे बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो दूसरे बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो दूसरे बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखना वो क्या बोला है। वो बोल रहा है कि दो बल हैं, ये मान लेते हैं F2 है और ये बल F1। इसका वो हमें परिमाण दिया है कितना, 20√3 न्यूटन। बोला है ना कि किसी एक बल का परिमाण, तो वो चाहे F1 का मान मान लो या F2 का। वो बोलता है कि इनका जो परिणामी है R, परिणामी इन दोनों का क्या आएगा, R वेक्टर। वो बोलता है कि वो किसी एक बल से कितना का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। तो हमारे पास देखोगे इसकी भी वैल्यू वो दिया है कितना, 20 न्यूटन। तो हमें देखोगे तो ये और ये दे दिया है। वो बोला है कि जो एक दूसरा फोर्स है उसका मान क्या है, यानी कि इसका मान हमें चाहिए। तो देखोगे यहाँ पर तो ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये हो गया उसका परिणामी। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, R वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, दोनों को जोड़ दे रहे हैं। तो हमें F1 का वैल्यू दिया है, R का भी दिया है, F2 का मान चाहिए। तो F2 का मान कैसे निकालेंगे, इसको उस पार भेज दें तो F2 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, R वेक्टर माइनस F1 वेक्टर। तो यहाँ पर ओवरऑल देखोगे तो हमने किया क्या, सदिश का घटाना, सदिश का घटाना। अब आगे इसको हल करना है तो F2 का मान हमें चाहिए। तो F2 का मान वो बोला है, लेकिन देखोगे तो वो क्वेश्चन में परिणामी बोला है, ठीक है। तो परिणामी के लिए क्या करते हैं, जो ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, इनका मान, तो जब वेक्टर का हम लोग घटाना करते हैं तो क्या लिखते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2AB cos θ पूरे का रूट, यही करते थे। प्लस होता तो यहाँ पर प्लस कर देते। तो यहाँ पर ये ए मान लो, इसको भी मान लो, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख देंगे, F1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2RF।
कॉस थीटा, थीटा के वैल्यू दिया हुआ है कितना 30 डिग्री। और हम लोग थीटा लेते भी क्या थे, हमने बताया था पहला सदिश और परिणामी के साथ जो कोण होता है वो होता है थीटा, सदिश एक और दो के बीच में जो भी कोण होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे अल्फा, और इसका इसके साथ जो होता था उसको बोलते थे बीटा। तो हमारे पास थीटा दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, यहाँ पे रख देते हैं। आर का मान कितना है 20 का स्क्वायर, एफ का मान कितना है 20√3 का स्क्वायर, और इधर पर -2 × 20 × 20√3 × cos 30 का मान कितना होता है √3/2 पूरे का रूट। सॉल्व कर दो कितना आएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, अरे 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, और 20√3 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर तो 400 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या क्या आता है देखना, ये कितना आ जाएगा 400 + 400 × 3 - ये इससे उड़ जाएगा, या इसको इससे उड़ा दो कोई दिक्कत नहीं है। इधर पे कितना बचेगा 20 का 20 से, फिर से कितना जाएगा 400, √3 का √3 से कितना आएगा 3, यही ना आएगा भाई 20 का मल्टीप्लाई 20 से कितना होगा 400, और इधर पे √3 का मल्टीप्लाई √3 से तो कितना आ जाएगा 3। तो हमारे पास कितना हो गया देखोगे तो 400 × 3 400 × 3, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे कैंसल, बचेगा कितना ओनली √400। तो एफ टू का मैग्नीट्यूड कितना आया √400, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। तो यहाँ पर एफ टू का मान कितना आ गया 20 न्यूटन, यानी कि ये जो दूसरा बल था इसका मान कितना आया है 20 न्यूटन। कर लोगे, अगला क्वेश्चन लिखना, सदिश ए वेक्टर बराबर सदिश ए वेक्टर बराबर फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के कैप और सदिश बी वेक्टर बराबर माइनस आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस आठ के कैप है। तो इनके परिणामी का एकांक सदिश, तो इनके परिणामी का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए, तो इनके परिणामी का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए जो परिणामी के समांतर हो, या जो परिणामी के समांतर है,
इनके परिणामी का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए जो परिणामी के समांतर है। करो हल। चलो आ जाओ देख लेते हैं क्या है। हमें बोल रहा है कि दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर बराबर कितना दिया है बोलो, 4i कैप 3j कैप 6k कैप, और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर बराबर -i कैप + 3j कैप - 8k कैप ये दिया हुआ है। वो बोलता है कि इन दोनों का जो परिणामी आता है उसका एकांक सदिश जो है उसके परिणामी के समांतर होता है। तो पहले इसका परिणामी निकाल लेते हैं। इसका परिणामी क्या आ जाएगा, r वेक्टर बराबर a वेक्टर + b वेक्टर। तो a वेक्टर + b वेक्टर यानी कि a और b को जोड़ दो, तो यहाँ पे 4i है, यहाँ पे -i है, तो कितना बचेगा 3i कैप + ये 3j कितना हो जाएगा 6j कैप। ये +6 है, ये -8 है, तो बचेगा कितना 2k कैप। तो ये आ गया हमारे पास परिणामी। लेकिन वो क्या बोला है कि जो परिणामी है इसका एकांक सदिश इसी के समांतर आता है, यानी कि जो हमारा परिणामी ये r वेक्टर आया है इसका एक एकांक सदिश इसी के समांतर आ रहा है। हमने मान लिया कि ये इसका एकांक सदिश इसी के समांतर है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, हो सकता है इसी लाइन पे हो। तो लेकिन समांतर उसने बोला है, ये नहीं बोला है कि उसी लाइन पे है या नहीं, लेकिन उसी के समांतर है। तो हमसे एकांक सदिश पूछ रहा है, तो किसी वेक्टर का एकांक सदिश कैसे निकालते हैं, r वेक्टर बाई r का मैग्नीट्यूड। तो r वेक्टर हम लोग निकाल चुके हैं, r का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेक्टर r का मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे, 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 6 का स्क्वायर 36 - 2 का स्क्वायर + 4, तो 36 4 40 9 49, तो आ कितना जाएगा 7। तो r का मैग्नीट्यूड आ गया 7। हमारे पास r वेक्टर है, r मैग्नीट्यूड है, r कैप यहाँ से निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 3i कैप + 6j कैप - 2k कैप / 7, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r = 1/7 3i कैप + 6j कैप - 2k कैप। तो ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है, जो ऑप्शन में देगा उसके हिसाब से हमारा आंसर चेंज रहेगा। तीन चीटियां तीन चीटियां अनाज के एक दाने को तीन चीटियां अनाज के एक दाने को चित्रानुसार चित्रानुसार
10 न्यूटन कॉमा 4 न्यूटन व मैग्नीट्यूड एफ न्यूटन व परिणामी एफ न्यूटन के बल से एफ न्यूटन के बल से अपने ओर खींचती हैं। यदि अनाज का दाना इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था में है तो बल का मान ज्ञात कीजिए। साम्यावस्था में है तो बल का मान ज्ञात कीजिए। डायग्राम देख लो क्या है उसका। यहाँ पर एक अनाज का दाना है, यहाँ पर एक चींटी, यहाँ पर दूसरी और यहाँ पर तीसरी। ये इसको इधर खींच रही है, जिसका परिमाण दिया है कितना, एफ न्यूटन। ये तीसरी वाली यहाँ नहीं है, यहाँ पर इसको कर लेते हैं। ये इसको इधर खींच रही है, 10 न्यूटन, ये कोण है 37 डिग्री का, और ये इसको इधर खींच रही है, इसका मान है 4 न्यूटन। इधर x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई या वाई, ये डायग्राम है। करो हल। चलो देखते हैं। देखना यहाँ पर ये अनाज का दाना, ये तीन बल, एक चींटी इधर खींच रही है, एक इधर खींच रही है, एक इधर, लेकिन ये बोल रहा है साम्य में है, तो ये दाना ना तो इधर जाएगा, ना इधर जाएगा, ना ही इधर, यहीं पर रह जाएगा। तो उसने बोला है कि साम्य में है, तो साम्य का मतलब रिजल्टेंट आर वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो, या बोले तीनों का परिणामी यानी एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री, ये क्या होगा, जीरो। या ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, आर वेक्टर बराबर आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर बराबर जीरो, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखोगे जो हमारा कोण दिया है 37 डिग्री का, तो सबसे पहले तो हम लोग इसी को बना लेते हैं, ये तीन, ये चार, तो ये पाँच, ये कितना 53 डिग्री, और ये 37 डिग्री, और ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखोगे तो ये घटक इधर वाला क्या हो जाएगा, जो भी है बल, इसको मान लेते हैं वन यानी एफ वन, ये एफ टू और ये एफ थ्री, एफ थ्री, ये एफ टू और ये एफ वन। तो एफ वन का घटक करोगे तो एक घटक कहाँ आ जाएगा, इधर की ओर, क्या आ जाएगा, एफ कॉस 37 डिग्री या एफ वन कॉस। इधर वाला घटक क्या हो जाएगा, एफ वन साइन 37 डिग्री। तो यहाँ पर इसका एफ वन आ गया, तो
यहाँ से देखोगे तो कॉस का और साइन का 37 डिग्री निकाल लेते हैं, तो कॉस 37 और साइन 37, कॉस का 37, तो कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण यानी 4/5, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ये सामने वाली भुजा लंब और ये कर्ण यानी 3/5। यहाँ पे इसका मान अगर निकालोगे तो एफ वन का मान 10 इंटू कॉस 37 का मान 4/5, तो 5 × 10 4 × 8। यहाँ पर इसका देखोगे तो इसका कितना आ जाएगा, एफ वन का मान 10, साइन 37 का मान 3/5, तो 5 × 10 3 × 6। तो यहाँ पर इसका वाई घटक कितना आ गया 6 और एक्स घटक कितना आ गया 8। तो देखोगे जो इसका वाई घटक है वो 6 आ रहा है और एक्स घटक इधर वाला जो दिया है माइनस वाला वो 4 है। तो अगर यहाँ पर डायग्राम में तुम लोग देखोगे तो चाहे तो सभी का अलग अलग लिख लो, आर एक्स वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस एफ थ्री एक्स बराबर 0। तो यहाँ से एफ वन एक्स, तो एफ वन एक्स ये है क्योंकि एक्स दिशा बोला है ना, तो कितना है 8, प्लस एफ टू एक्स, तो एफ टू देखोगे तो एफ टू सीधे कहाँ है माइनस एक्स में, तो उसका मान कितना जाएगा माइनस का 4, प्लस एफ थ्री एक्स, तो अब देखोगे ये है एफ थ्री लेकिन इसके बारे में हमें पता नहीं है, तो इसका एंगल इसको मान लेते हैं कितना थीटा, इसको क्या मान लो थीटा, तो ये घटक क्या आ जाएगा कॉस थीटा और ये घटक क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे ये वाला घटक हमको क्या दिया है एफ दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा एफ है कॉस थीटा, और हमें ना तो एफ पता है ना ही कॉस थीटा, दोनों नहीं पता है। यहाँ पर बराबर किसके हो जाएगा ये 0 के, तो 8 − 4 कितना हो जाएगा 4, और अच्छा सॉरी यहाँ पे माइनस होगा क्यों, क्योंकि इधर वाला घटक ले रहे हैं एफ थ्री का ना, तो ये एफ थ्री हो जाएगा माइनस एफ थ्री कॉस थीटा बराबर 0। इसको उस पार ले आएंगे तो एफ थ्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी एफ थ्री कॉस थीटा की, एफ थ्री कॉस थीटा बराबर 4, समी नंबर 1। ये तो हमें एक मिल गया, अब दूसरा निकाल लेते हैं आर वाई, आर वाई वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, तीनों बल एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई प्लस एफ थ्री वाई बराबर 0। तो एफ वन वाई, अब देखोगे तो एफ वन का वाई घटक कितना है 6, तो लिख देंगे 6। एफ टू वाई, तो बल एफ टू तो ये है, तो एफ टू का तो पूरा पूरा एक्स में, वाई में कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 0। एफ थ्री वाई, तो एफ थ्री का वाई घटक देखोगे ये है यानी कि एफ थ्री साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, लेकिन माइनस में है क्योंकि नीचे है, तो माइनस एफ थ्री साइन थीटा बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास देखोगे तो 6 − एफ थ्री साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 0, इसको उस पर ले आएंगे तो एफ थ्री साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 6, समी नंबर 2। अब देखोगे तो ये भी है एफ थ्री कॉस थीटा और ये है एफ थ्री साइन थीटा, और हमें पहला मान किसका चाहिए एफ का, यानी कि ये जो एफ न्यूटन दिया है ये मान चाहिए, फिर दूसरा किसका मान चाहिए थीटा का, तो पहले एफ निकाल लेते हैं फिर थीटा आ जाएगा। दोनों समीकरण है हमारे पास, एक समीकरण एक ये है और दूसरा ये, क्या करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ते हैं, देखना दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर क्या है एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ दिए। देखोगे एफ थ्री ये भी है, एफ थ्री ये भी है, स्क्वायर ये भी है, स्क्वायर ये भी है, तो इसको क्या कॉमन लेकर के बाहर कर सकते हैं, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, 36 16 कितना आ जाएगा
छत्तीस, सोलह सोलह बावन, बावन आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाता है एक। तो एफ थ्री स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 52। तो हमसे तो एफ थ्री का मैग्नीट्यूड पूछा था, एफ थ्री का मान कितना आ जाएगा रूट बावन हो गया। अब हमसे अगर थीटा भी पूछता तो हम लोग थीटा भी निकाल सकते थे। कैसे देखना, यही दोनों समीकरण को लेकर के लिख सकते हैं समी वन व टू से। देखोगे समीकरण एक और दो, एफ थ्री साइन थीटा बराबर छ, एफ थ्री कॉस थीटा बराबर चार, दोनों को डिवाइड कर दो। तो एफ थ्री कैंसल, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, सिक्स बाई फोर को डिवाइड करो कितना बचेगा थ्री बाई टू। तो थीटा कितना आ जाएगा टेन इनवर्स थ्री बाई टू, यहाँ से थीटा भी आ गया। यदि सदिश ए वेक्टर बराबर, यदि सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फोर के कैप, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फोर के कैप और बी वेक्टर बराबर, और b वेक्टर बराबर 5i कैप किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को प्रदर्शित करती है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करती है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करती है तो त्रिभुज की तीसरी भुजा त्रिभुज की तीसरी भुजा का लंबाई किसके बराबर होगा, ऑप्शन पहला लिखना, रूट छप्पन, ऑप्शन दूसरा छः, ऑप्शन तीसरा एक और दो दोनों, ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं, देखना क्या बोला है। ये बोल रहा है दो सदिश एक वेक्टर ए है जिसका मान कितना दिया है बोलो, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फोर के कैप। दूसरा वेक्टर बी है जिसका मान कितना दिया है, हाँ, फाइव आई कैप प्लस, अच्छा कुछ नहीं है, कितना दिया हुआ है। तो देखना क्वेश्चन आगे तुमसे क्या बोला है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तो बोलता है कि इसकी तीसरी भुजा का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके भुजाओं को बनाने की कोशिश करते हैं।
क्या करते हैं कि ये एक वेक्टर ले लेते हैं जो कि ए वेक्टर है, दूसरा एक वेक्टर ले लेते हैं जो कि बी वेक्टर है, ठीक है। उसने ये नहीं बोला है कि कैसा है, समकोण पर है या नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ना कि समकोण पर ना रहे, हल्का ऐसे कर देते हैं बी वेक्टर, ठीक है। तो ये दो भुजाएं हो गई। तीसरी भुजा हम लोग ऐसे बना सकते हैं, देखो इस तीसरी भुजा का मान वो पूछ रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा काम क्या है, तीर इधर लगाएं या इधर, ठीक है। तो तुम लोग त्रिभुज नियम पढ़े होगे कि यदि किसी दो सदिश को एक दिशा में लिया जाए, मतलब एक का टेल दूसरे का हेड, फिर इसका टेल और आगे हेड को एक क्रम में व्यवस्थित करें, तो जो उसका परिणामी होता है उसको अपोजिट या विपरीत दिशा में दिया जाता है। मतलब ये पढ़े होगा कि एक सदिश ये ए वेक्टर, दूसरा सदिश ये बी वेक्टर, तो इनका जो परिणामी है वो अपोजिट क्रम में दिया जाता है, ऐसे पढ़े थे। यानी कि इसका हेड और इसका टेल, फिर इसका टेल इसका हेड, लेकिन जो परिणामी होता है वो इसके टेल से और इसके हेड से जुड़ जाएगा। तो ऐसा हम लोग त्रिभुज का नियम पढ़े थे। तो हमने उसने बोला कि ये दो त्रिभुज की भुजाएं हैं जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तीसरी भुजा क्या होगी, इसी का मान वो हमसे पूछ रहा है। अब तीसरी भुजा का डायरेक्शन क्या दिखाएं, इधर दिखाएं या इधर, कहीं भी दिखा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इधर दिखाएंगे, सपोज करो, ठीक है, तो अगर इधर दिखा देंगे तो ये देखना यहाँ से यहाँ चला, तो इसका हेड लेकिन इस वेक्टर का टेल। अब उसके बाद देखोगे तो ये अपोजिट क्रम में है, यानी कि ये वेक्टर और ये जो है इनका परिणामी क्या आ रहा है, बी वेक्टर। मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है ये क्या है, सी वेक्टर है, तो क्या ये ऐसे चला और ये विपरीत में, तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर, यानी कि इसको और इसको जोड़े तो ये उसका क्या दे दिया, परिणामी। हमें किसका मान निकालने के लिए बोला है, सी वेक्टर का, तो ए को इस पर ले जाओ तो क्या ऐसे नहीं हो जाएगा, सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी का मान दिया है, ए का भी मान दिया है, सी का मान निकाल लेंगे। तो देखना सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो आई का आई से, जे का जे से, के का के से, तो बी कितना है 5, उसमें इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे 6 कहाँ से आएगा, 4 आई कैप, उसके साथ क्या आ जाएगा 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, क्योंकि i से i घटेगा, बाकी इसका j और k नहीं है। तो जब इन दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया c वेक्टर, लेकिन वो c वेक्टर का परिमाण पूछा है, c वेक्टर नहीं पूछा है कितना है। तो अगर इसका परिमाण निकालोगे तो c का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पूरे का रूट, कितना आ जाएगा ये, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और 16 कितना होता है 32, 32 4 36, तो रूट 36। यहां से सी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 6। ये तो हो गया हमारा आंसर, लेकिन यहां पर देखोगे तो हम चाहे तो इधर भी तो मान सकते थे, ये जो वेक्टर सी है इसकी डायरेक्शन इधर भी तो मान सकते थे, वो कहां बोला है कि उसी साइड मानना है, हम इधर भी मान सकते हैं, क्योंकि उसने ये हमसे थोड़ी बोला है कि किस डायरेक्शन में मानना, वो बस इतना बोला है कि त्रिभुज की दो भुजाएं हैं तो हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो अगर हम लोग इसके दूसरे पार्ट को देखें तो देखना, मान लेते हैं कि ये हमारा एक वेक्टर ए है और दूसरा एक वेक्टर बी है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो आर वेक्टर, ऐसे ले लेंगे। तो यहाँ से देखोगे तो वो बोला है कि दो वेक्टर ए और बी जो कि एक दूसरे के त्रिभुज, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो ये तो त्रिभुज नियम हो गया ना, कि इसका हेड इसके टेल से और इसका टेल और इसका हेड, लेकिन जब परिणामी देते हैं वो विपरीत क्रम में होता है, मतलब इसके हेड से हेड और इसके टेल से
टेल ज्वाइन होना चाहिए। तो परिणामी कैसे निकालेंगे, यहाँ से परिणामी निकालने का फार्मूला क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस पी वेक्टर। लेकिन देखोगे तो ए और बी को जोड़ना है, आई का आई से योग, जे और के नहीं है तो नहीं जुड़ेंगे, तो पाँच और एक छः, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आर वेक्टर का मान सिक्स आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फोर के कैप। ये तो आर वेक्टर का मान आया है, हमसे आर वेक्टर थोड़ी पूछा है, वो उसका मैग्नीट्यूड पूछा है यानी परिमाण। तो इसका परिमाण कैसे आ जाएगा भाई, आर वेक्टर छः का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर पूरे का रूट, छः का स्क्वायर 36, दो का स्क्वायर 4, चार का स्क्वायर 16, तो 16 × 4 = 20 और 16 × 4 = 20 और 20 × 36 कितना हो जाएगा 56, तो ये आ गया रूट 56। तो आर का मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों आंसर सही है, 6 भी सही है 56 भी सही है, तीसरा ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है। लिखना, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में दिए गए चित्र में 3 सदिश OA वेक्टर कॉमा OB वेक्टर दिए गए चित्र में 3 सदिश OA वेक्टर कॉमा OB वेक्टर और OC वेक्टर है और OC वेक्टर है, तो इनका परिमाण ज्ञात कीजिए, तो इनका परिमाण ज्ञात कीजिए। डायग्राम बना लेना क्वेश्चन का, करो ज्ञात। देखना हम लोग क्या करते हैं, हमें 2 सदिश दिया है, पहले ये चल के लेके चलते हैं, ये इसका ओरिजिन पॉइंट, ये ओ, ये ए और ये सी। तो ये इधर वाला जो वेक्टर है क्या हो गया, OC वेक्टर, इधर वाला जो वेक्टर है वो क्या हो गया, OA वेक्टर।
अब हमने तुम लोगों को बताया था, कल ही बताए थे कि अगर दो सदिश समकोण या राइट एंगल पे हो तो उनका परिणामी बीच से 45 डिग्री पर निकलता है। तो इनका परिणामी इनके बीच से निकलेगा और उसका मान कितना कल बताए थे, √2। ये ए कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर इस ए का मान आर है क्योंकि उसने देखो वैल्यू दे रखा है, यानी कि ओ ए बराबर कितना है आर, ओ सी बराबर भी कितना है आर। तो हमारे पास जो परिणामी आएगा वो कितना आया, √2, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2, यानी ए क्या है आर है। तो ये तो आ गया। लेकिन जो तीसरा सदिश है ओ बी, वो भी इसी रेखा पर ही है। जो तीसरा सदिश है ओ बी वो उसी रेखा पर आ रहा है, तो एक वेक्टर और इस पर ले आते हैं। ये कौन है, ओ बी वेक्टर, जिसका मान कितना है आर। देखोगे तो जो ओ बी वेक्टर है और जो परिणामी है जिसको हम लोग आर बोल रहे हैं, ये क्या है आर वेक्टर। भाई ए वेक्टर और सी, यानी कि ओ ए और ओ सी का परिणामी कितना आया आर वेक्टर, जिसका मान है √2। ओ बी वेक्टर और परिणामी दोनों एक ही रेखा पर हैं या एक दूसरे के समांतर है, कोण कितना होगा 0 डिग्री। तो दोनों एक दूसरे के समांतर है, कोण 0 डिग्री है, तो उस समय पर वेक्टर का मान मैक्सिमम आता है और दोनों क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है 1। तो जो हमारा फार्मूला बनता है वो क्या बन जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फाइनली हमारा ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो परिणामी निकालेंगे उसको क्या मान लेते हैं, आर डैश बराबर कितना आएगा, ओ बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर, ओ बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, उन दोनों का परिणामी। क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि दोनों एक ही रेखा पर हैं, तो कोण क्या होगा 0 डिग्री होगा। चाहे तो ऐसे भी देखो कर सकते हो, क्या आर डैश बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस 2 ओ बी आर cos 0 डिग्री पूरे का रूट। तो ओ बी स्क्वायर का मान आर दिया हुआ है, आर वेक्टर का मान कितना है, सॉरी आर स्क्वायर, आर वेक्टर का मान कितना है √2 का स्क्वायर प्लस 2 ओ बी, ओ बी का मान कितना है आर, और आर वेक्टर का मान कितना है √2, और cos 0 का मान कितना होता है 1, पूरे का रूट कर दो। तो इससे भी हल कर सकते हो, या इसको ऐसे देखो कर सकते हो, ए प्लस बी से जो हम लोग निकालना चाहते हैं क्या कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी cos थीटा या cos 0 डिग्री। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी पूरे का रूट, यही आएगा। cos 0 का मान कितना होता है 1, तो ये cos 0 हट गया, बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। यहाँ से इसको देखोगे तो ये क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूरे का रूट, इसका स्क्वायर इसका रूट क्या हो जाएगा कैंसल। तो यहां से फाइनली आर डैश बराबर क्या बचेगा, ए प्लस बी, बोलो हमने भी वही तो किया है, आर डैश बराबर ओ बी प्लस आर वेक्टर। क्यों, क्योंकि दोनों 0 डिग्री पर हैं। अगर यही 180 पर होते, मतलब ये इधर होता, तो ए माइनस बी कर देते। हमने बताया था कि वेक्टर का मैक्सिमम मान कब मिलता है, जब दोनों का 0 डिग्री एंगल हो, या दोनों समान दिशा में हो, या दोनों समांतर हो। मिनिमम मान कब होगा, जब दोनों प्रति समांतर हो, या एक दूसरे के विपरीत हो, या कोण 180 हो। तो 180 होता है तो ये ए माइनस बी हो जाता है, और जब 0 डिग्री होता है तो ये ए प्लस बी हो जाता है। तो ए का मान इसको मान लेते हैं, बी का मान ये है, तो ए प्लस बी दोनों जुड़ रहा है। अब हमारे पास ओ बी का मान पता है कितना आर, आर वेक्टर का मान पता है कितना √2, दोनों को जोड़ देंगे, बोलो आर प्लस आर रूट टू जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3R√2, यही होगा ना, आर प्लस आर रूट टू कितना आ जाएगा 3R√2, यही होगा। गलत है, जोड़ने को सहूर नहीं है, वही जोड़ देंगे। आर आर दोनों में कॉमन लेके बाहर करेंगे, अंदर क्या बचेगा 1+√2। √2 का चाहो तो वैल्यू रख सकते हो, तो आर डैश बराबर क्या आ जाएगा आर 1+√2, ये तुम्हारा आंसर होगा। और अगर √2 की वैल्यू रखोगे तो
तो और भी अच्छा बात है। आर वन प्लस रूट टू की वैल्यू कितना होता है? 1.414 या 42, इतना करके जोड़ दोगे तो 1 + 1 कितना जाएगा? 2.24। तो आ जाएगा यहाँ से आर डैश कितना? 2.42 R। ये भी आंसर है। जब वो रूट टू का मान देगा तब ये करेंगे, नहीं देगा तो यही आंसर है, ये आंसर कभी नहीं आएगा।